कमीनगी में रत्ती भर भी कम नहीं है। अपनी माँ लीला से और भाई वनराज से ये डॉली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज डॉली ने साबित कर दिया कि वो इन दोनों की ही रिश्तेदार है। बा की बेटी है, वनराज की बहन है, क्योंकि ये लोग भी तो ऐसे ही हैं। मौका आने पे अनुपमा अच्छी, जब अपना अच्छा टाइम आए तो अनुपमा बुरी। तो आज डॉली ने भी वही किया। मीनू ने साफ साफ कहा, मगर डॉली कहां टस से मस हुई। तो बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बा वनराज इन्होंने ऐसा ही किया है अनुपमा के साथ जो आज डॉली ने किया, इसलिए ये टाइटल मैंने अपनी वीडियो को दिया, क्योंकि ये भी कम नहीं है। अभी तक तो यही लग रहा था कि डॉली को इस बात का बुरा लगा है कि मीनू और सागर की कहानी अनुपमा को पता है और अनुपमा ने इनको शह दी है। अभी तक मुझे यही लग रहा था, इसीलिए डॉली गुस्सा है। मगर आज जो डॉली बोलती है और कहती है कि तुम्हारी मामी मीठी मीठी बनके सब करती है, कहने का मतलब यह है कि तब भी डॉली ऐसा सोचती थी कि अनुपमा जो कर रही है तो मीठा मीठा बनके कर रही है, अनुपमा अच्छी है नहीं, अनुपमा तो किसी का नुकसान ही कर सकती है, जैसे मेरी बेटी का कर रही है। अपने बच्चों पे बस चला नहीं, मेरी बेटी को वो ऐसे यूज कर रही है, जो भी उसका कहना था, जो कि बहुत ही नकारात्मक था, नेगेटिव। तो क्या डॉली पहले ऐसी थी? मुझे तो नहीं कभी लगी। मगर आज अगर डॉली यही डॉली कह रही है कि उस समय भी अनुपमा ऐसी ही थी, मैंने तो कभी अनुपमा को ऐसा ही समझा है, जो भी उसने कहा मीनू को, तो ये यही दर्शाता है कि ये भी अपने माँ और भाई के जैसी ही है। लीला ने भी तो यही किया है, जब अनुपमा की जरूरत है तो अनुपमा चाहिए ही चाहिए, अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाले, अपना ये करे अपना वो करे, मैं थोड़ी पूरा घर संभालूंगी, तो अनुपमा आ जाती थी, उसका घर बर्बाद कर दिया। आज कहती है, जो भी कुछ कहती है, तो गृहस्थ आश्रम का सुख कहां मिला अनुपमा को? जो गृहस्थ आश्रम का सुख 26 साल मिला, उसमें अनुपमा सुखी कहां थी? तो यही वनराज का हाल है। तो आज डॉली ने यह साबित कर दिया कि कमीनगी में ये रत्ती भर कम नहीं है, बल्कि रत्ती से ज्यादा ही होगी, इन दोनों से ज्यादा ही है। तो मुझे तो ये लगा कि क्या ही बोल रही है डॉली, और मीनू ने मुंह तोड़ा भी, मगर डॉली ने भी अब सोचा हुआ है कि मैं ये होने नहीं दूंगी, अब ये माँ बेटी में डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मीनू ने भी ठान लिया है, जैसे उसने केंजल को कहा कि शादी करूंगी तो सिर्फ सागर से ही करूंगी। तो ये एक प्रेम कहानी एक नया विवाद लेके आने वाली है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।